चिकन हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा ना बारात आ गई थी सुबह, तो मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन लेके गए हुए थे, तो वो भी अभी आ रहे हैं। अभी 11 बज रहे हैं, तो बारात अभी पहुंची है, घर पे पहुंच गई है। तो बाकी आज जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। अभी आए इधर, धूप तो थोड़ी ठंडी कम नहीं, तो अभी तक इतनी ठंडी लग रही थी ना। और दीदी लोग भी तैयार हो गए हैं, ये अब जाएंगे, अब जा रहे हैं। और अभी परेशान हो रहा है, बन हो गया कि मैं भी जा रहा हूँ, मुझे टी शर्ट पहनाओ। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, देखो उधर वो पर्दा कैसे उड़ रहे हैं। इनके बैग तैयार हो गए। और साजी देखो क्या क्या भर रही है अपनी बेटियों के लिए, पूरी बाल्टी बाल्टी भी नहीं छोड़ रही है अबे। जाते टाइम दोनों में लड़ाई हो रही है। फोन हो गया क्या? फोन आपको क्या हो गया? फोन देख रहे हैं? नहीं देखने जा रहे हैं ये नीचे। बहुत ऊंची हो ये दादा, देखो आ भी गए हैं गांव से घूम करके करके, तो पता नहीं क्या ला रहे हैं अपने पीठ में रख करके। हेलो दोस्तों, अभी दिन के 2 बज गए हैं, अभी हम सोए थे, हमने खाना नहीं बनाया था, हम सो गए थे क्योंकि थक लगी थी। पहले हमने सोचा था कि हम दिन का खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुबह हमने वो पकौड़े वगैरह बनाई थी ना, तो अभी मुझे तो लग गई है भूख। और शादी का खाना तो ऐसे ही होता है ना, उसको मतलब खाया तो लेकिन मन ही नहीं भरा। अभी मेरा तो कढ़ी चावल खाने का मन हो रहा है, तो जो घर का मठा होता है ना उसकी कढ़ी, 2:30 बजने वाले हैं, तो अभी बनाती हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी तो चावल तो बन गया है, और मैं किसी से मठा मांग के भी लेके आ गई, इधर गाँव में था किसी के पास, पुदीना भी लेके आ गई और घर की मिर्ची लेके भी आ गई। और देखो अभी मैं इनको सबको ना सिलबट्टे में पीस रही हूँ, असली ड्रेस तो घर की मिर्ची और पुदीने का। दादी देख दिए ना अनु, इधर देखो, और इधर हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, इसलिए इसको कैप पहना रखा है। और ये भी इसको ये खाना खा रहा है यहाँ पे, फिर हम खाएंगे है ना। तो दोस्तों अभी खाना तो खा लिया है, मजा आ गया कड़ी खा के। और इनको देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम दोनों? दीदी मेहंदी लगा रही है। ओआरके क्या होगा? छोटा वाला बेबी तो दादी के ही पास है, उधर बर्तन धो। इसके पापा को तो इतनी थक लगी है ना, वो तो जब से आए हैं तब से सो ही रखे हैं, क्योंकि वो कल रात भर नहीं सोए हैं, तो वो सो ही रखे हैं। वो उधर ही गए थे खाना खाने के लिए, उधर से आने के बाद वो आ गए थे 12:30-1 बजे, उसके बाद से वो सो ही रहे। हेलो दोस्तों, अब यहाँ पे शाम हो गई है, 5 बज गए हैं और ठंडी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही यहाँ से धूप जाती है ना, बहुत ठंडा हो जाता है। और ये यहाँ पे खेल रहे हैं, किसी ने इनको ताश दे दिया ना, उन्हीं से खेल रहे हैं। तो अभी हम भी जाएंगे उधर। हेलो से हेलो, देखो हेलो, देखो कार्ड से पूरा थैला भर रखा है। हाँ, शादी हो रही है आज, क्या है वहाँ पे रिसेप्शन। देखो दोस्तों, ये हमारे गांव के लोग अभी रोटियां बनाने जा रहे हैं जल्दी, क्योंकि उधर रिसेप्शन है ना, तो रोटियां बनानी पड़ती है खुद ही, जैसे कि परसों मैंने दिखाया था, तो ये टाइम पे चले गए सारे लोग। तो दोस्तों यहां पे मैं तैयार हो गई रिसेप्शन के लिए, अब चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों हमारे इधर ना एक वो होता है, क्या बोलना, एक रिवाज होता है कि मतलब जब दुल्हन आती है ना तो सास बेट होता है, जैसे दुल्हन पैर छूती है फिर कपड़े वगैरह देते हैं। वो तो हो गया है, मैं उसी की वीडियो बनाने के लिए आई थी यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया है, अब रिसेप्शन की वीडियोस दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी दुल्हन तो तैयार हो रही है, मैं तब तक नीचे चलती हूँ रोटियाँ बनाती हूँ। जिसके लिए आई थी वो तो हो गया यार, मैं दिखाना चाहती थी आप लोगों को कैसे कैसे होता है, अब नीचे चलते हैं। हम देख रहे हैं ना यहाँ
बोले हो कुछ। ये देखो दोस्तों हमारे गांव में ऐसी शादी होती है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, लोग इतने मिलजुल के रोटियां बनाते हैं। देखो सारी जो औरतें होती है अब तो देखो बातें भी करते रहते हैं और रोटियां भी बनाते रहते हैं। अभी तो पुराना हाँ बड़ा भैया नहीं आया चाची जी बोल। देखो दोस्तों ये चूल्हे की रोटियां है सारी, कोई गैस नहीं कोई कुछ नहीं, नेचुरल सारी चीजें चूल्हे की रोटियां। देखो कितनी फूली फूली रोटियां बनी है, कितनी फूली फूली रोटियां निकाल रहे हैं। गर्म चल दो ना गर्म भी छोड़ परवा। हाँ लोली जरूर गर्म था देवा अभी को देखो अभी पहले बैठ गया यहाँ पे खाना खाने के लिए, आधे लोग बैठ गए। देखो देखो दोस्तों इतना खाना जो बनाया ना हमारे गांव के लोगों ने ही बनाया है, खुद ही लोग बनाते हैं और बहुत टेस्टी होता है ये खाना। देखो इन्हीं भैया ने खाना बनाया सारा, ये मतलब लोग ना इन्हीं भैया को खाना बनाने के लिए बोलते हैं हमारे गाँव में। चिकन, ये चिकन है आज यहाँ पे नॉन वेज बना है, नहीं तो और दिन तो वेज ही बना था पूरा। चिकन टिक्का, चिकन टिक्का और ना ये भैया बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। अरे आई क्या पत्ता गोभी आलू फ्राई, पत्ता गोभी और आलू फ्राई और रोटी और गुलाब जामुन। ये लोग ये बनाने वाले और हमारे ससुर जी ने तो यहाँ पे रोटी बना रहे। ये पुलाव, ये पुलाव ये सारा पूरा गांव के लोगों ने बनाया है। ये दाल लौकी और अभी इधर हम खाना खाने के लिए बैठ गए यहाँ पे। देखो देखो उधर सारे लोग बैठ गए। अभी बता रही किसके लिए पापा चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, पीछे से मैंने पापा की शर्ट जैसा देखा और पापा बोल रहे हैं गणेश से वीडियो बन। जो नॉन वेज है वो नॉन वेज खा रहे हैं और हम वेज खा रहे हैं। दोस्तों मैंने सासू माँ को कॉल किया था, वो तो रो रहा है, फिर मैं घर जा रही हूँ उनके, उनको ना खाना खाने के लिए भेजती हूँ। मैंने तो खा लिया है ना खाना, फिर देखते हैं अगर चुप होगा तो आ जाऊंगी। मेरी सासू माँ तो खाने के लिए चली गई है, मैं इसको सुला रही हूँ। अभी इन्हें भी कपड़े चेंज करके वो भी सो गया है, इसको मैंने उसको सुला के अभी हम जा रहे हैं। थोड़ा आए थे मुझे लेने के लिए क्योंकि इधर बहुत अंधेरा हो रखा है ना, ये देखो कितना अंधेरा हो रखा है, तो ये आ गए थे मुझे लेने के लिए। स्वागत है अभिनंदन और संपूर्ण बिष्ट परिवार दे विवाह की। तेरे दरबार की
तो दोस्तों आप लोग भी हमसे पूछ रहे थे कि आपके पहाड़ों में दहेज चलता है शादी में, तो हमारे पहाड़ों में ना कुछ दहेज वहेज नहीं चलता है। अगर किसी ने मांगा है ना दहेज, तो उसकी हर जगह बदनामी होती है कि इन्होंने दहेज मांगे है। और अगर कोई मतलब अपने मुंह से बोलता है ना कि इतना दहेज चाहिए, तो उससे तो रिश्ता ही तोड़ देते हैं। कोई अपनी लड़की को उनके पास देता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी थिंकिंग है कि आज ये दहेज मांग रहे हैं तो कल ये कुछ और मांगेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो भी लड़की वाले देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं और वो लड़की के नाम पे देते हैं, कुछ भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों हम घर आ गए हैं, 11:30 हो रहे हैं। और अभी को ना मैं भूल के गई थी कि सो जाना, उसको उस टाइम नींद आ रही थी। और वो ना सब मेरी सास का फ़ोन आया था कि वो खिड़की में बैठा हुआ था कि जब मेरी मम्मा पापा आएंगे मैं तभी सोऊंगा। अब देखते हैं वो सो गया कि नहीं सोए। अभी सो गया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अब मैं चेंज करती हूँ और बेचारे अभी को प्यार करती हूँ। वो कब से मेरा वेट कर रहा था और वेट करते करते सो गया। वो ना ये जो खिड़की दिख रही है ना, यहाँ पे बैठा था। मेरी सासू माँ बोल रही है कि अभी वो सोया है। यार उस टाइम से ना लोग डांस ही कर रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी कि कब वो दुल्हन डांस करेगी, तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो वही अब चेंज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।